बूंदी के तालेड़ा में नवोदय विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं कक्षा की छात्रा शिवानी मालव का प्रधानमंत्री से संवाद के लिए चयन हुआ है। यह तो बहुत खुशी का बात है, पूरे बूंदी जिले में, पूरे बूंदी जिले से एक ही लड़की का चयन हुआ है प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा करने के लिए। ये हमारे नवोदय परिवार के लिए और नवोदय विद्यालय समिति के लिए भी बहुत खुशी का बात है। बहुत खुशी है मुझे इसी कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नवोदय सभी टीचरों का। बाकी बच्चों को मैंने एक ही सपना दिया है कि बेटा मैंने जितनी खामोशी सीख रो कि सफलता ही शोर मचाई। बस ये पता ही नहीं था कि मेरी शिवानी इतना सब कुछ कर सकती है, और आज जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ भाई जाए वहाँ पे और मोदी जी से मिले, उनसे कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब इसको मिले। हाँ बहुत अच्छा बोले ना, सब कहते हैं बहुत अच्छा किया, और मैं पता ही नहीं था कि शिवानी इतना सब कुछ कर सकती है। ये एक मेरे लिए सच्ची बहुत मिरेकल सच होगा कि इतना छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद मैं कभी प्राइम मिनिस्टर से मिल पाऊँगी। एक आइडियल पर्सन के रूप में तो मैं उनको मानती हूँ, और मेरे आइडियल पर्सन से मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जब मैं उनसे मिलूँगी तो मेरे सबसे सम्मानीय मोमेंट मेरे लिए वही होगा जब मैं उन्हें मेरी आंखों से देखूंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पीएम से यही होगा कि द एग्ज़ाम्स आर द, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो हर इंसान का एक महत्वपूर्ण, एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो हम लोग तो हमारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, पर उनके लिए तो वो बहुत सडन सा होता है। वो डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस करते हैं और वो कैसे इतने बड़ी कंट्री को संभाल रहे हैं।